उंगलीमाल नाम का एक डाकू था। उसने हजार लोगों को मारने का प्रण लिया था क्योंकि उसे उस गांव के राजा से बैर था। 999 को मार चुका था, इसलिए जिस पहाड़ी पर वो रहता था वहां पर बोर्ड लगा दिए गए कि यहां जाना निषेध है, यहां पर उंगलीमाल रहता है। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध का अपने शिष्य के साथ आगमन हुआ। तब महात्मा बुद्ध उसी पहाड़ी पर जाने लगे जहां पर उंगलीमाल रहता था। गांव वालों ने रोका लेकिन महात्मा बुद्ध आगे बढ़ गए। उंगलीमाल महात्मा बुद्ध को आते हुए देखते हुए बड़ा खुश होता है कि आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। लेकिन अचानक महात्मा बुद्ध के तेज को वो सहन नहीं कर पाता और वो बोलता है कि वही रुक जाओ सन्यासी। लेकिन महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते जाते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। तब उंगलीमाल बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि मार खड़ा क्यों है, तू भी क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय, देखते कौन किसका वध करता है। उंगलीमाल तुरंत अपनी खड़ग उठाता है मारने के लिए, लेकिन महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं, रुक पहले इस पेड़ की डाली को काट के दिखा। उंगलीमाल फटाफट से उस टहनी के दो टुकड़े कर देता है। महात्मा बुद्ध मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कि बात तो मान रहा है, यानी कि इसके सुधरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर महात्मा बुद्ध उसको बोलते हैं कि अब इस टहनी को जोड़ दे। उंगलीमाल बोलता है सन्यासी तुम पागल हो गए हो क्या, टूटी हुई चीज कैसे जुड़ सकती है। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तोड़ना बहुत आसान है और जोड़ना उतना ही मुश्किल। और उंगलीमाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। महात्मा बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि मेरे पीछे पीछे आएगा। उंगलीमाल महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चला जाता है। तब महात्मा बुद्ध बोलते हैं भिक्षा मांग। भिक्षा मांगने जाता है तो गांव वाले उसे खूब पत्थर मारते हैं जिससे उसके शरीर को बहुत कष्ट होता है और खून निकलने लगता है। भिक्षा मांगकर जब वापस आता है तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि क्यों पीड़ा हो रही है। तब उंगलीमाल बोलता है पीड़ा तो सिर्फ शरीर को हो रही है, मन तो अंदर से स्वस्थ ही है। सीखने वाली बात यह है कि हर इंसान बुरा नहीं होता, परिस्थिति कारणवश वो बुरा बन जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करें।